नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे टू पर। और अभी बज रहे हैं रात के 12:30। और वीडियो स्टार्ट करने का मेन मकसद ये है कि अभी हरसिल में हम हैं और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है -2 डिग्री। माइनस में टेम्परेचर जा चुका है और आपको कुछ चीज़ दिखानी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो रात के 12:30 बजे स्टार्ट किया हुआ है। तो दिखाता हूँ आप लोगों को क्या ये वजह है और क्यों मैं ये वीडियो इस टाइम पे शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ आपको फटाक से। तो यार, सबसे पहले वीडियो शुरू करने को आपको मैं वॉशरूम पे लेके आया हूँ। और वॉशरूम पे आप देख रहे होंगे जिस तरीके से मैंने ये नल यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो जो ये ओनर हैं होटल के, तो उन्होंने बोला था कि ये नल को रात में ओपन रखना, क्योंकि रात में टेम्परेचर चल जाता है माइनस के टाइम पे और ये जो पानी है पाइपलाइन है वो सारी जम जाती है। तो इसलिए ये पानी को रात को ओपन रखना पड़ेगा ताकि सुबह के लिए पानी जमे ना और पाइपलाइन ब्लॉकेज ना हो, इसलिए ये नल चालू है। तो जो कुछ भी ओनर ने कहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा कुछ कर लूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। तो मैं अभी करने वाला हूँ, एक पानी रखने वाला हूँ थोड़े से मग्गे पे या फिर थोड़े से ग्लास पे बाहर में, और सुबह उसको देखूँगा कि वो पानी जमता है या नहीं जमता। बाकी ठंड तो आप इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है, हाथ मेरे कांप रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फटाफट से चलते हैं बाहर। और जो पानी रखता हूँ मैं ग्लास पे वो बाहर रख के आता हूँ, सुबह देखेंगे उसका क्या हाल होता है। तो चलिए चलते हैं। तो यार फटाफट से ले लेते हैं पानी। पानी इस टाइम पे इतना फ्रीज हो रहा है, सुबह पता नहीं क्या हाल होंगे, तो वो तो सुबह जाके देखता हूँ। पहले पानी कलर कर ताकि नेक्स्ट ना हो, इतना बात है ताकि जमे ना। बाकी पानी को लेके चलते हैं बाहर और रखते हैं इसको खुले पे। पहले मैं कर दूँ चटकिनी को ओपन। बैग को लेते किनारे, यहाँ पे बैग लगाए हुए हैं क्योंकि यहाँ नीचे से ओपन है, ऐसे हवा आ रही है। पहले इसको करते हैं किनारे। तो यार अभी आ चुका हूँ मैं बाहर, देख सकते हैं आप बाहर का मौसम। अरे बाप रे बाप, अच्छी खासी हवा चल रही है, देख सकते हैं आप किस तरीके से ये हिल रहे हैं ये जो लिखे हुए। और हवा सुन रहे हो आप, ये हवा की आवाज़ है। बाकी अभी मैं रख रहा हूँ इसको पानी को यहाँ पर ओपन पे, तो यहाँ पे पानी रख रहा हूँ। मैं इस टाइम पर कांप रहा हूँ। अरे यार, तो यार ये मैंने पानी रख दिया यहाँ पे, सुबह देखेंगे क्या हाल है। सो यार पानी रख दिया हमने बाहर और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा भयंकर, फटाफट से चलते हैं अंदर। ठंडो, अरे भाई तो यार बाहर हो रही है काफ़ी खतरनाक ठंड, आप मेरे कब कभी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कल का जो दिन है वो बताया गया हरसिल में कि स्नोफॉल होगा, बाकी देखते हैं, गूगल तो दिखा रहा है कि 100% होगा। बाकी अभी हम सोते हैं, मिलते हैं आपको सुबह, गुड नाइट बाय। सो नमस्कार दोस्तों, हो चुकी है सुबह और आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज है 29 तारीख, गंगोत्री यात्रा का आज दूसरा दिन है और अभी हम हैं हरसिल में और अभी टाइम हो चुका है 8:30 का और कल हमने रखा हुआ था पानी बाहर। तो देखते हैं अभी उसको जाके उसके क्या हाल है, उससे थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी ठंड है क्या है। बाकी वो नल खोलने वाला जितना भी साइंस था वो समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं पहले बाहर पे और देखते हैं क्या सीन है, फिर करते हैं आपसे बात। सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ मैं व्यू, कैसा बाहर का नज़ारा है इस वक्त। ये देखिए हरसिल मार्केट, और हरसिल मार्केट के ऊपर हिमालय में पड़ी भी एकदम तगड़ी वाली बर्फ़। इधर देखिए मौसम, देखिए आप पहले तो आज हो रखा है पूरा का पूरा क्लाउडी। वाह, ऐसा लग रहा है रात को ऊपर अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई है, इधर साइड भी गिरी है, कल इधर दिख नहीं रहा था। बट पहले दिखाते हैं वो आपको पानी जो रखा हुआ था हमने इस जगह पर रात को, क्या हाल है उसके।
ठंड बहुत है आज, धूप का नामो निशान नहीं है। आय हाय। सो ये है, ये पूरा का पूरा जम चुका है। ये देखिए जम गया पूरा जी। पूरा जमा हुआ है। ये पानी रखा था बाहर पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर है ना बहुत भाई, माइनस में था रात को। तो यार आपने देखा होगा पूरा का पूरा ये जम चुका है। और इधर दिखाओ, इधर इधर कांच की तरफ घुमाना उसे, इसको घुमा अपने हाथ के। अच्छा अच्छा नहीं, अरे मैं बात कर रहा हूँ। तो यार आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये जम चुका है किस तरीके से अंदर, पूरा का पूरा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ठंड है। आज पूरा का पूरा कोहरा उड़ रहा है। उम्मीद है कि आज बर्फबारी हो, पूरी की पूरी उम्मीद है। बाकी मैं हो चुका हूँ रेडी और अभी हम जाएंगे गंगोत्री धाम, वहाँ के दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी गंगोत्री धाम के दर्शन कराएंगे। बाकी मौसम सही रहना चाहिए तो मज़ा आ गया भाई।